तो लिटिल नाइट में उसके लास्ट वाले एपिसोड में आप सभी को तो पता ही होगा कि यहाँ पे अपना जो सिक्स होता है यानी कि जो अपना टोपी वाला जो बंदा होता है ना, वो यहाँ पे द लेडी की सारी जो पावर है वो यहाँ पे छीन लेता है और उसके बाद ना वो सबकी जो पावर्स है वो यहाँ पे स्ट्रक करने लगता है। यानी कि जितने भी जो यहाँ पे वो होटल में खाना खाने के लिए आए थे ना, यानी कि सारे के सारे भुक्कड़, उन सबकी यहाँ पे जो पावर्स है वो ले लेता है और फिर वो गेट में से जाके बाहर की तरफ चला जाता है। और आज यहाँ पे हम लिटिल नाइट में उसका साइड वाला गेम खेलने वाले हैं यानी कि लिटिल नाइट में टू, और इसमें पता नहीं कौन सा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे होने वाला है, क्या हमें जो सिक्स है वही देखने को मिलेगा या फिर यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो कोई और भी हो सकता है। तो फटाफट इस गेम को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि इस गेम का जो मेन विलन है वो आखिर में कौन। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है और मेरे हिसाब से ये वो वाला गेट नहीं है जो कि लास्ट वाले गेम में हमने देखा था, ये शायद से कोई और गेट है। और इस बार हम ना किसी सबमरीन में भी, मुझे लग नहीं रहा है कि हम किसी सबमरीन में हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे ना कॉन्क्रीट की जो टाइल्स हैं वो यहाँ पे बिछी हुई हैं। अभी टाइल्स तो नहीं कह सकते, इसको पत्थर कह सकते हैं और पत्थर तो आपको पता है सबको कि शिप वगैरह में नहीं होते हैं या फिर सबमरीन वगैरह में नहीं होते हैं। और यहाँ पे वही अपनी जो आँख है ना, मुझे लग रहा है इस गेट पे वही वाली आँख है। और इस सीन को ऐसे देखकर लग रहा है ना कि यहाँ पर ये जो जगह है काफ़ी टाइम से बंद है क्योंकि जो एयर क्वालिटी है ना वो भी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप टीवी वगैरह देख रहे थे या फिर सपना वगैरह देख रहे थे और यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है ये एकदम ही अलग है, एकदम डिफरेंट। और राइट, टीवी यहाँ पर जो है बंद हो चुकी है और अपना जो कैरेक्टर है ये यहाँ पे खड़ा हो चुका है। वैसे ना मैं अभी किसी शिप वगैरह में तो नहीं हूँ, इतना तो मुझे पता चल चुका है। और अपना जो कैरेक्टर है ना, इसकी अगर शक्ल देखी जाए तो यहाँ पर ना इसके ऊपर कोई टोपी ना दूसरी लगी है। मुझे पता नहीं इसका नाम यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर आपको पता हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं किसी शिप वगैरह में तो नहीं हूँ, वो तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं ना किसी जंगल में हूँ। और मुझे नहीं लग रहा कि ये जो अपना वाला कैरेक्टर है ना ये पिछले वाले गेम से आया हुआ है, ये कोई नया डिफरेंट कैरेक्टर है। ऑल राइट, और मुझे पता नहीं अभी कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है जाली वगैरह और मैं इसके ऊपर चढ़ तो सकता हूँ लेकिन चढ़ के मैं जाऊँगा किधर। ओके, तो मेरे हिसाब से इसको ना मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो फटाफट इसको सबसे पहले निकाल देते हैं। ऑल राइट, और इसके ना इसके अंदर मुझे झुक के जाना पड़ेगा। चलो, अरे झुक के जाना, जा नहीं रहा भाई। चलो अभी गया, यहाँ पर कुछ अलग ही सीन हो रखा है, मतलब उसमें ना छोटी छोटी टनल, हाँ वाले गेम में छोटी छोटी टनल होती थी बट इस गेम में तो गुफाएं हैं छोटी छोटी। चलो यहाँ पे जूता मिला है मुझे, जूते का मैं कुछ एक सेकेंड, यहाँ पर भी आदमी मरे हुए हैं, मतलब पिछले वाले में भी काफ़ी सारे आदमी मरे हुए थे और यहाँ पर भी ढेर सारे आदमी मरे हुए हैं, बट मैं इसका करूँगा क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो अभी इनको ना पता नहीं किसने टांग दिया है और रस्सी से टांग दिया है भाई। फटाफट से यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, अभी मुझे ये नहीं पता है कि अपन को जाना किधर है, बस फटाफट से ना इसको जंप करते हैं। चलो इसको पकड़ते हैं। ये यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है। एक सेकेंड, ये कुछ, ओहो समझ गया मैं, मतलब ये ना यहाँ पे एक जाल बिछाया हुआ है। अगर मैं इसकी, ओके समझ गया मैं, मतलब कि यहाँ पे ऐसा है कि अगर मेरा पैर इसमें इस रस्सी के बीच में फंसेगा ना तो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो पिंजरा है ना ये आके मुझे जो है बंद कर लेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे, अच्छा हुआ मैंने पहले ही जंप कर दिया। ऑल राइट, मेरे हिसाब से मुझे इसको यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा तभी ना ये नीचे की तरफ आने वाला है। चलो गिर जा, अबे इसको मुझे खींच के उस साइड में लेके आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ना मुझे कोई उल्टे सीधे लोग, उल्टे सीधे चेहरे वाले जो मॉन्स्टर्स हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर हो सकता है मुझे कुछ वाइल्ड जंगली जानवर मिल जाए क्योंकि ये जंगल है ना इसीलिए, लेकिन वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे आगे की तरफ चल कर ही पता चलने वाली है कि यहाँ पर, ओ वो भाई, ओ भाई मर गया, मरवा दिया, मरवा दिया, भागो भागो भागो, जितनी जल्दी हो सके निकल लो। ओ बच गया मैं, बाल बाल बच गया। अभी पता नहीं ऐसे ही मुझे आगे की तरफ हो सकता है और भी कुछ, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है मुझे इसके ऊपर जंप करके जाना है। एक सेकेंड, शायद से मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, हो सकता है ये वाले पत्थर से, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या लग रहा है कि मुझे उस रस्सी के फंदे को ना पकड़ के आगे की तरफ जाना है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे वैसा कुछ पॉसिबल लग नहीं रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे नीचे की तरफ रास्ता है तो, बट ऊपर की तरफ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ है और जब तक मैं उसे नीचे की तरफ नहीं करूँगा ना जब तक मैं शायद ऊपर की तरफ ना जा पाऊँ, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा।
बट यहाँ से निकलने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। क्या मैं इसको उठा सकता हूँ? नहीं उठा सकता। इसके अंदर गुफा वगैरह तो नहीं है? नहीं है। अब यहाँ पर तो हो गई है हद, क्योंकि मैं इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की मतलब कुछ चाहिए पड़ेगा, सीढ़ी वगैरह या एक सेकेंड। ये ओ भाई, मैं यहाँ से आ तो सकता हूँ डायरेक्टली। चलो अब मुझे यहाँ से इसको पकड़ के जाना पड़ेगा जंप करके। 1, 2 and 3, बच गया। इसको फटाफट से नीचे की तरफ करते हैं, और मुझे ना इसको पूरी तरीके से नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है बस। ओ भाई भाई, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो भाई, चलो मुझे लगा था पूरा नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। खैर आपको ना वो जो लास्ट वाला गेम था ना, वो आपको कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर से मुझे बताइएगा। खैर यहाँ पर इतनी बड़ी, ओके साउंड भी कितना हॉरर आ रहा है। मेरे हिसाब से मैं ना क्लाइम करके इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ, मुझे पुल की ज़रूरत नहीं है। चलो हाँ, तो मैं कह रहा था आपको ना लास्ट वाला गेम कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लिटिल नाइटमेयर्स 1। और मतलब पूरा गेम खेलने के बाद ना मुझे एंड में पता चला कि अपने जो कैरेक्टर है ना उसका नाम 6 है, और जो लेडी को हमने मारा था ना रिफ्लेक्शंस का यूज़ करके, मिरर के रिफ्लेक्शंस का यूज़ करके, वो जो लेडी थी, ओ ये तो खतरनाक है यार। मैं किधर हूँ, सो रहा हूँ क्या कहीं पे? ओके मैं बैठा हूँ, मुझे लगा कि कुछ कार्टून का डब्बा पड़ा है। ठीक है, ओके। मैं ना इसको ऑब्जेक्ट को उठा के ना, एक सेकेंड, मैं इतने सारे जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं इनको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, और यहाँ पर जो रस्सी है ना, मतलब जो पिंजरा है, इसका मुझे कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। ठीक है, इसको उठाओ। ओके अभी सही है ना, डरा ही दिया था इसने तो एकदम से। ओके भाई, पता नहीं आगे की तरफ कौन मिल जाए मुझे। ओके तो यहाँ पर ना वो जो ग्रैनी के गेम में नहीं आते, ग्रैनी के गेम में वो जो फंदे वगैरह होते हैं, वो ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो ग्रैनी बार बार अपना जो पिंजरा है छोड़ के चली जाती है, और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। मैं किसी चीज़ पत्थर वगैरह को उठा सकता हूँ यहाँ पर? मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि मुझे इसके अंदर जाना है, और अगर मैं इसमें बिद गया ना तो यहाँ पर दिक्कत है। ओके चलो, ये तो मैंने निकाल लिया है। अबे पकड़ना इसको। ओके बाल बाल बच गया। अच्छा को मैंने उसको पहले देख लिया। अभी यहाँ पे भी एक डंडी पड़ी हुई है, शायद से इसका, इस डंडी का भी यहाँ पे कुछ काम होने वाला है। इसको उठा के अगर मैं देखूँ, क्या पिंजरा पका पकड़ा तो नहीं ना कहीं पर? लग तो मुझे नहीं रहा है, लेकिन आगे कुछ ना कुछ चक्कर तो है। ओहो ओके, इतने सारे बाल बाल बच गया मैं। ओ चलो, मुझे जंप करके जाना चाहिए सीधा सीधा। ये क्या चीज़ है? ओके इसको मैं उठा सकता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारे फंदे पड़े हो सकते हैं। ऑल राइट, नीचे की साइड भी होना चाहिए यहाँ पे कुछ ना कुछ। अबे यहाँ नहीं, मतलब पीछे की तरफ से फेंकना चाहिए। नहीं है, चलो मतलब जितने फंदे थे ना वो यहीं पर ही थे। मुझे इस इन झाड़ों के बीच में से जाना नहीं है, क्योंकि अगर इनके बीच में से गया तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। नीचे की तरफ भी एक और था, सीधा सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे, और यहाँ से बचते बचाते पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर एक घर आ चुका है, घर के अंदर शायद कोई मुझे मिल जाए। हो सकता है इसी ने जितने पिंजरे हैं ना ये यहाँ पे रखे हों, मतलब वो जो कीज वाले पिंजरे थे जो कि ग्रैनी रखती है। अबे मुझे संभाल के जाना पड़ेगा इस घर के अंदर, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। गेट तो बंद है तो मुझे खिड़की से जाना पड़ेगा। अबे चलो, कोई मॉन्स्टर ना मिल जाए मुझे उसके अंदर यार। ओ भाई, लग तो मुझे मॉन्स्टर ही रहा है, इतनी तबाही कौन करता है? कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइट बंद ना हो जाए बस।
खुल जा खुल जा। ऑल राइट, ये वाला दरवाज़ा यहाँ पे खुला हुआ है, इसके अंदर मैं जा सकता हूँ। चला गया। ओके ये तो भाई वही साउंड है जो कि द लीड के घर में बजता था, एकदम वही साउंड है, एकदम सेम टू सेम। ओ भाई ये तो मंकी है, ये बजा रहा है क्या? इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा शायद। पकड़ ले, नहीं पकड़ रहा। अब मैं उसके उस पार कैसे जाऊं? मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ओके मुझे जाना ही नहीं है उस साइड, मतलब ये जो साउंड है एकदम बहुत शानदार लगता है। यहाँ पे एक एक्स पड़ी हुई है, एक्स का मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके शायद इस एक्स को लेके जाके मैं अगर वहाँ मार दूँ तो काम बन सकता है। ओ भाई पकड़ ले उसको। ओके ओ ये बंदर नहीं है भाई, ये तो बंदा है कोई, ये घर में अकेला कर रहा है, उसने बजाना भी छोड़ दिया। मैं जा सकता हूँ क्या अभी? नहीं जा सकता, मुझे फिर से, अरे चलो हाँ अभी जाने का सही है। भाई मैं तुझे मारने नहीं आया हूँ, छुप के डर रहा है। ओ हेलो, ये बहुत छोटा है यार, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहा है एक अकेले घर में। मतलब कि जो उसके पेरेंट्स होंगे कम से कम मॉन्स्टर्स तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर, मुझे लग नहीं रहा है कि ये मॉन्स्टर है। और ए भाई इसने तो मुझे डरा दिया, इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा मुझे। जा किधर रहा है ये? ओ भाई ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बच तो नहीं पाएगा मुझसे, लेकिन मैं मारना भी तो नहीं चाहता ना यार उसको। अबे हाँ ईरा, ये मुझे शायद कहीं लेके जाना चाह रहा है, या फिर अपने मम्मी पापा के पास जा रहा है, ऐसा कुछ लग। ओ भाई ये क्या सीन था? ये क्या कि ताश वगैरह तो नहीं खेल रहे थे भाई, खाना खा रहे थे, लेकिन ये स्टैचू है यार, इसने स्टैचू बना रखा है और ये ऊपर की तरफ चला गया। मतलब डर गया एक टाइम की, मतलब एकदम से उसकी आंख वगैरह निकली हुई है। चलो चलना। ओके ऑल राइट, ये क्या कर रहा है? अबे मेरे ऊपर ना गिरा दियो। ये कुछ अलग ही है, ये लड़की है, ये मुझे बुला रहा है, क्या बुला रहा है कि नहीं बुला रहा, करने का चाहता है मुझे, पावर अप करना चाहता है क्या? ओके है ये मुझे मतलब बूस्ट करना चाहता है। ऑल राइट ऊपर के साइड कोई लग रहा है मुझे, कोई ना कोई तो है, और इस यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है, यानी कि मुझे इस ताले की चाबी चाहिए होगी अगर मुझे यहाँ से बाहर की तरफ निकलना है तो। ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ओके तो मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा। अबे खिसक नहीं रहा भाई ये तो, मैं डायरेक्टली जंप नहीं लगा सकता क्या? नहीं लगा सकता, मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा दम लगा के। हाय ईशा। ओके मतलब अपना जो वो था ना सिक्स, वो तो अकेले ही इतने बड़े बड़े सूटकेस को उठा लेता, लेकिन ये थोड़ा पावरफुल मुझे कम लग रहा है, पता नहीं यार। यहाँ पे काफ़ी सारी बॉडीज वगैरह टंगी हुई है, ये तो भाई उसी शिप जैसा हाल है ये। और यहाँ पे कुछ शायद कुछ लगेगा। एक सेकंड, चाबी ऊपर के साइड टंगी हुई है, दिख गई मुझे चाबी तो, दिख गई कम से कम। ठीक है तो मैं पावर अप करके यहाँ पर तो आ चुका हूँ, और यहाँ पर शायद से मुझे चक्का मिल जाए वो। ओके आगे की तरफ कोई बैठा है क्या? ऑल राइट, और उसके पास चक्का है, मतलब कि लीवर है ये भाई, ये तो इसके हाथ से ले लूँगा तो ये उठ तो नहीं जाएगी। हेलो हेलो, ओ भाई इसका, भाई यार सबके सब यार ये मैनी क्वीन टाइप के हैं, मतलब कि टॉय वगैरह है। खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे चक्का तो मिल चुका, मतलब लीवर जो है वो तो मुझे मिल चुका है, फटाफट से उसको उसमें लगाता हूँ। मतलब इतनी देर से मुझे याद नहीं आया कि मैं ना उसको यूज़ कर सकता हूँ,
पावर अप करने के लिए मुझे, मेरे से मुझे पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। चलो ये अपने आप लगा देगा, मतलब दिमाग है बंदे में। नहीं 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 नहीं, ओ घुमा रहा है तो, वाह। एक सेकंड, अभी नहीं, वेट, हाँ अब ठीक है, ओके। अबे चलो मिल गई चाबी, इस चाबी को लेके, अबे चलो चाबी तो मैंने रख ली है, अभी वापस से चलना होगा अपन को वहीं नीचे वाले गेट पे। फटाफट इस ताले को खोल दे, ये घुमाई चाबी। मेरे हिसाब से ना ये भी, ओके मेरे हिसाब से ये भी ना यहाँ पे घर पे अटका हुआ था, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पैरों के निशान किसके हैं? मेरे हिसाब से उसके पेरेंट्स यहीं तो नहीं है, पेरेंट्स हैं भी या नहीं है, या फिर ये बंदी था वहाँ पे, कुछ अता पता नहीं है। चलो यहाँ पर एक और रास्ता है, एक सेकेंड, तो जा ही नहीं सकता हूँ, वाह क्या करूँ फिर मैं, डायरेक्टली जंप तो कर नहीं सकते ना, करके देखूँ एक बार। नहीं मुझे लग रहा है इस बॉक्स को मुझे उठाना पड़ेगा। ओ भाई यहाँ पर ऊपर और भी सारे जो केजेस हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली ऊपर गया तो यहाँ पे मौत पक्की है। ऑल राइट, तो यहाँ पर ना मैंने सारी चीजें करके देख ली, और मेरे दिमाग में एक आइडिया एक और नया आया, क्या मैं इस बॉक्स को खिसका सकता हूँ? अगर खिसका सकता हूँ ओके, तो अब तो, अरे यार पहले इतनी देर से दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं फालतू में उल्टी सीधी चीज यहाँ पे पकड़ने में लगा हुआ था, डायरेक्टली मतलब मेरे सामने ही सब कुछ था और मैं देखा नहीं मैंने। अबे अब ऊपर नहीं चढ़ रहे, चलो अब तो यहाँ से आसानी से मैं जो है जंप कर सकता हूँ और इसको पकड़ सकता हूँ। चलो इतना आसान था भाई, उसे खिसका नहीं था। ओह ये मुझे इसकी आवाज़ लगती है, क्या मछली वगैरह काट रहा है? मतलब इस गेम में भी जो है मुझे, ओ भाई ये पकड़ेगा क्या मुझे? मुझे लगता है खैर पकड़ेगा, ये मुझे मरवा दिया। ओ इसने मुझे इस बार हाथ से नहीं पकड़ा, डायरेक्टली गन से मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार ट्राई करेंगे, मतलब इसका तो खौफ है यहाँ पे। क्या करना चाहिए मुझे, कैसे जाना चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्चुअली मैं उंझला भी तो आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे दबे पाऊँ जाऊँ आगे तो शायद से ये मुझे ना पहचान पाए। भाई पीछे मत देखियो, पीछे मत देखियो मेरे भाई, भाई जो अपना पीछे वाला कैरेक्टर है कुछ नहीं आराम आराम से चल रहा है। मत देख, यहाँ तो रास्ता ही बंद है यार, क्या करूं? ठीक है, ऑल राइट। ओ भाई अब वो शायद पीछे की तरफ से आ जाए, मर गया। ओ भाई तो गन चला रहा भाई, ये तो मिलिट्री मैन था क्या था भाई ये? ओ भाई मार दिया, खत्म कर दिया उसने खेल। चलो कोई बात नहीं है, फिर से एक बार ट्राई करता है, शॉटगन है। ओ भाई शॉटगन है, इसे क्या परेशानी क्या है इसको, भागो। ओ भाई भागो, आपका छुपे यहाँ पे छुप सकता है, इसकी सारी एमो खत्म करवा देते हैं, बाढ़ में जा के सारी की सारी एमो। ओ भाई छुप जाओ इसके नीचे, शायद यहाँ पर ये आगे की तरफ ना आए और यहाँ से चला जाए। कैसे कैसे बंदे हैं लाइट लिटिल नाइट में, उसमें ऐसा भी कोई मॉन्स्टर होता है क्या? भाई हाथ धो के पीछे पड़ गए, हाथ धो के नहीं गन लेके पीछे पड़ गया। अभी इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से इसको देख गए तो भाई अपने जो दूसरा फ्रेंड है ना, ये मुझे देखो अपने हाथ देके बुला रहा है, ऐसे ऐसे आ जाओ। चलो ये पीछे देख लिया अगर इसने तो मरना पक्का है, बट मैं अगर इस घास में छुप जाऊँ तो शायद। नहीं, अच्छा यहाँ पे बड़ी बड़ी घास है, समझ गया मैं, मुझे इसमें छुप छुप के जाना पड़ेगा आगे की तरफ।
और ये भी यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। पता नहीं ये वो शॉटगन से फिर से ना टपका दे। यहाँ पे बड़ी बड़ी घास नहीं है, ठीक है, अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी घास है। ओके छुप जाओ। सामने की तरफ होला है तो मैं चाहूँ ना वहाँ पे जा सकता हूँ डायरेक्टली सीधा सीधा। भाई कैसा आता है ऊपर की तरफ से, मैं होता तो देख लेता है इसकी जगह पे। अबे इतनी बड़ी घास में दिखाई दे जाते यार आसानी से। ठीक है तो मुझे, मैं समझ गया दिमाग क्या लगाना है मुझे। ओके फाइनली हम आ गए। भाई मेरे दोस्त को पकड़ लिया क्या? नहीं 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 भाई, इसके अंदर शॉटगन ना चलाने लगे वो भाई। पर टनल में शॉटगन चला रहा है ये, शायद पीछा करेगा, टनल के अंदर आएगा लेकिन नहीं आ पाएगा, बहुत बड़ा है वो, टनल के अंदर नहीं आ सकता वो। टनल के अंदर आ जाए तो फिर तो खेल ही खत्म है। चलो फिलहाल दूसरी साइड से हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से वो आ पाएगा। ओके थोड़ा और यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं, शायद से कोई दूसरा नया मॉन्स्टर मिल जाए। इसमें तो मुझे जंप करके ही पार करना पाओ भाई। अरे यार मैं ना उसको खींच के ना उसको पुल के ऊपर की तरफ कर सकता था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ऊपर नहीं जाना है अभी, रुक जा। हाँ हाँ अभी सही है, ठीक है, इसको जंप लगानी पड़ेगी पहले। ऑल राइट अब मैं कैसे आऊँ? अबे मैं कैसे आऊँ? ओ हेलो, ओके कॉल देना पड़ेगा क्या? ओके ओ वाओ गजब, वन टू एंड ओ भाई बच गया। मिल गया, स्प्रिंटिंग नहीं हुई क्या बात है। वन टू एंड थ्री, पकड़ ले पकड़ ले, पकड़ लिया। चलो 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 फाइनली यहाँ से तो बच के आ गए। अभी आगे की तरफ ना वो कीज वगैरह ना मिल जाए, वैसे अंधेरा तो यहाँ पे काफ़ी सारा है। ओ भाई यहाँ पर भी कोई ढूंढ रहा है हमें, ये क्या सीन है? आ ये तो वही वाला बंदा है यार, ये फिर से आ गया। मरवा दिया। भाई 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 बचो बचो भाई, ये तो सटक गया, ये सटक गया, ये भागो ऊपर भागो ऊपर भागो, गन रिलोड ना हो पाए इसकी। ओ भाई बच गया मैं, भाई पीछे ही पड़ गया यार। ओ जल्दी 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 जल्दी, ओ भाई ओ रे कुछ छेद कर देगा भाई, इतनी गोलियां कहां से आ रही है उसके पास, जरूरी है मिलिट्री मैन होगा भाई, इतनी गोलियां क्या कर रहा है इतनी गोलियों से। भागो, इसका इसका ही इलाका है क्या पूरा? ओ भाई ये फिर से आ गया। चलो नहीं अभी हम यहाँ छुप छुप जाएंगे, ये भाई बेचारा नहीं छोड़ रहा है। दो चीज़ों को मुझे इस पर शक हो रहा है, एक तो इसकी जो लाइट है ना ये यहाँ पे बंद नहीं हो रही, इसकी बैटरी वीक नहीं हो रही, और दूसरी इसकी जो गन है ती एमओ कहाँ से आ गई इसके पास यार, ये अंधा अंधा एमओ चला रहा है भाई, अंधा धुन। ओ ओ ओ भाई दिख गया क्या हम इसको? नहीं 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 बच गए बच गए, अगर ये देख लेता तो यहाँ पे तो अभी मरना ही था। अभी हम डायरेक्टली इस पानी से तो नहीं जा सकते, पानी से जाएंगे तो ये मार देगा शायद पानी में। ओके पानी में हम डुबकी भी लगा सकते हैं, बढ़िया। चलो फिर तो पानी के सहारे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। भाई क्या कीचड़ है क्या है भाई, दलदल है ये, दलदल में से जंप करना तो मुश्किल है। मुझे लग रहा है हमें ना इसके नीचे की तरफ से जाना है, ठीक है ये छुप गए हम। हाँ अभी सही है,
वाह बच गया, मैं देख नहीं पाया इसने। ओ भाई ठीक है, यही मारेगा क्या? ये गलत है भाई, गलत ही है ये। क्या इसे पंगा क्या ले लिया यार मैंने इससे? अच्छा खासा मछली काट रहा था ये, मैंने फालतू में इससे पंगा ले लिया। ओ भाई ऊपर की तरफ चले क्या? आगे की तरफ रास्ता है तो यार, हाँ आगे की तरफ रास्ता है तो, लेकिन हमें शायद से ठीक है, मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है यहाँ पर पता नहीं किसने अपना लव का साइन बना दिया, दिल बना दिया। ओ ये ठीक है ना, ये कुछ कर नहीं सकता, बढ़िया। उल्लू बना दिया उसको तो मैंने। ए, गजब यार ये तो, पीछा नहीं छोड़ रहा इसका तो, मुझे इसको टपकाना पड़ेगा। लेकिन मैं, अगर मेरे इतने बड़े हाथ होते ना तो मैं इसकी बंदूक लेके ना इसी को मार देता, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी अलग ही हो रखा है। ओ भाई 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 नहीं 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 नहीं, ओ भाई नहीं 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 नहीं, मरवा दिया मरवा दिया। ओ भाई उसमें छेद था यार, मैंने देख ही नहीं पाया। ऑल राइट तो मेरे पास ना यहाँ पे एक और रास्ता है। अभी रास्ता ये है कि मैं यहाँ से तो एकदम पैदल पैदल जाऊँगा आराम आराम से, और उसके बाद मुझे भागना पड़ेगा इस बॉक्स के पीछे। बस ये पक्षी अगर ये ना उड़े ना। ओके बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, इसकी तो बच गया मैं। ओ भाई सीधा सीधा इस घर के अंदर फटाफट से। ऑल राइट तो हम घर के अंदर आ चुके हैं फाइनली, और उससे बच चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी बाहर की तरफ निकलना पड़ेगा। ओ यहाँ पे गन रखी हुई है, क्या मैं इस गन को चलाना पॉसिबल है? इसकी तो ओके मैंने तो सोचा था ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट सोचा था कि अगर मुझे गन मिल गई तो मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा, और मैंने वही कर दिया। चलो मर गया, इतनी देर से परेशान कर रहा था, फाइनली द एंड हो गया उसका। अभी यहाँ से फटाफट से बाहर की तरफ निकलते हैं। ओके तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एक लेक के पास। ओ भाई एक सेकंड, ये इसको खिसका रहा है, यानी कि हमारे पास अभी कोई नाव नहीं है, बट हम इसको यूज़ करके इसकी एक नाव बना सकते हैं और यहाँ से जो है हम निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ना इसको इसकी हेल्प कर देता हूँ मैं इसको खिसकाने में। चलो 1 2 और ये 3। चलो मुझे क्या लगा था मेरे पास अगर चप्पू वगैरह होता ना तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा पाता, लेकिन ठीक है जितना ज़्यादा जा रहा है, मतलब जैसे जैसे जा रहा है ठीक है, हवा के साथ ये जो नाव है चलती रहेगी गेट वाली। और हमने कम से कम एक टापू को छोड़ दिया है, टापू कह सकते क्या उसको? नहीं टापू ही कह सकते, क्योंकि एक तरीके से वो एक टापू था जहाँ पे एक बंदा रहता था, और मुझे इसका समझ नहीं आ रहा इसका नाम क्या है यहाँ पे। खैर जो भी हो मुझे तो अभी कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे लाइट हाउस है, लाइट हाउस में डूब गया क्या? एक सेकंड यहाँ पे भी नहीं नहीं मतलब मैं उठ भी नहीं सकता यहाँ से। तो इस बोट को जो है चले देखते हैं, और देखते हैं ये जो बोट है वो कहाँ तक जाती है। ऑल राइट तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि ना बाढ़ वगैरह आई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोतल भी देख ली, एक टीवी भी देख ली, एक टावर भी देख लिया। यहाँ पे बाढ़ वगैरह आई है, और बाढ़ वगैरह के चक्कर में सबका सारा का सारा जो सामान था ना वो यहाँ पे डूब गया, और यहाँ पे दो दो टीवियाँ पड़ी हुई हैं, और इसके साथ जूता पड़ा है क्या ये? नहीं जूता नहीं लग रहा, कुछ और है। ठीक है तो यहाँ पे बाढ़ वगैरह आई है, इतना तो पक्का पता चल चुका है, और बाढ़ वगैरह के चक्कर में सबका सामान जो है पानी के अंदर आ चुका है। खैर अभी देखना ये है कि हम कहाँ पर जाते हैं। ऑल राइट तो अपना जो कैरेक्टर ना ये यहाँ पे पता नहीं खड़ा क्यों हो गया, शायद से हमें ये कोई शहर है। ये शहर गिर रहा है क्या? ये बिल्डिंग्स गिर रही हैं क्या?
भाई मुझे डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ। मैं पानी के अंदर हूँ और ये बिल्डिंग से अगर गिर गई ना तो यहाँ पे खेल खत्म है। मुझे तो बिल्डिंग सी लग रही है क्योंकि बोट वगैरह मतलब शिप वगैरह इतनी बड़ी होती नहीं है और शिप वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता नहीं है। मुझे बिल्डिंग ही लग रही है क्योंकि यहाँ पर एक नीचे के साइड गेट भी है। तो फटाफट से यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि और हमें क्या देखने को मिल सकता है। ओके यहाँ पे गेट ऑलरेडी खुला हुआ है। मेरा जो कैरेक्टर है वो पता, ओके मेरा कैरेक्टर भी आ रहा है, मतलब पता नहीं कौन सा कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर कह सकते हैं, जैसे कि अपना GTA 5 में माइकल और ट्रेवर है ऐसे। ओहो भाई इतनी ऊपर कौन सुखाना डालता भाई अपने कपड़े। ओ थोड़ा डरावना है, यहाँ के सारे लोग मर गए होंगे इतना तो पक्का है, क्योंकि अगर यहाँ पे बाढ़ आई है तो मरना तो पक्का है। लेकिन अभी जाना किधर है? मेरे हिसाब से इन खिड़कियों को पार करते करते जाना है। चलो हम किसी रेस्टोरेंट में आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेट वगैरह पड़ी हुई हैं और लोगों के जूते भी यहाँ पड़े हुए हैं। लगता तो कुछ ऐसा ही है, मैं भाग क्यों नहीं ना भागना। ऑल राइट तो यहाँ पे तो कुछ जाल वगैरह तो होने नहीं वाले। एक सेकेंड, इसको मुझे पावर अप करना पड़ेगा तभी मैं जा पाऊँगा। पावर अप, पावर अप। भाई ये कैसा बोलता कैसे है? ऑल राइट अबे ठीक है ठीक है ठीक है। ओके पकड़ लिया, बट ये अब कैसे आएगा इसका तो मुझे पता चल ही नहीं रहा। यहाँ पे कुछ और है? ओ मुझे देख के नीचे की तरफ जाना चाहिए था। मुझे क्या लग रहा है मुझे इस फंदे को पकड़ना पड़ेगा, फंदे को पकड़ूंगा तो जो टीवी है ना वो ऊपर उठ जाएगी, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। ठीक है 1, 2 and 3। ओके चलो, और ये इसको मुझे नीचे की तरफ गिराना होगा। जिससे कि मैं जो है ऊपर की तरफ पहुंच जाऊं। पकड़ लिया, बच गया। तो अभी मुझे इसकी हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जाऊं कहां से नीचे की तरफ से अगर मैं इस टीवी को नीचे की तरफ गिरा दूं। ऑल राइट तो यहां पे एक बार फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं वो, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ वो नीचे की तरफ बार बार ऑल राइट बोल रहा है। हाँ ये होगा बात। अच्छा चल अभी ऊपर की तरफ है, मुझे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा इससे मिलने के लिए, या फिर ये नीचे की तरफ आ सकता है। ना 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 मुझे उस साइड में जाके शायद से इसको कैच करना पड़ेगा, जैसे कि हमने ब्रिज के ऊपर किया था उसने मुझे कैच, या फिर मुझे उस साइड जाना पड़ेगा। हाँ मुझे लग रहा है मुझे उस साइड जाना पड़ेगा। ठीक है ओके भाई, क्या कैच पकड़ता है ये बंदा। चलो 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 अभी यहाँ से जाना पड़ेगा आगे की तरफ। पूरा का पूरा फर्नीचर टूट गया है। ओ यार मुझे समझ नहीं आता ये अपने ऐसे क्यों लटका क्यों देते हैं यार ऐसे। कोट पैंट मतलब कोट और पहना दो बस इसको, तो सूखने के लिए लटकाते क्या इतनी बॉडी दिखानी, मतलब बाकायदा यहाँ पे जूते रखे हुए हैं, पैंट पहना हुआ है भाई ने, बेल्ट पहना हुआ है, टाई पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, बस उसकी मुंडी गायब है बस। ये खुलेगा क्या? खुल गया। ओ टीवी, अब ये टीवी मुझे कुछ नया सपना दिखाने वाली है क्या? हाँ मैं तो भूल ही गया, अपने वाले कैरेक्टर को भूखी लग रही, क्योंकि लास्ट टाइम तो एक टाइम से मॉन्स्टर बन चुका था, कीड़ों को खा जाता था, इंसानों को खा लिया था इसने, चूहे कुत्तों तक खा लिया था इसने, मरे मरा चूहे को। चल क्या रहा भाई, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, टीवी बंद करनी पड़ेगी। टीवी बंद करने का कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ? बटन बटन, ये सीन क्या है यार, बंद हो सकती है क्या? मुझे नहीं लग रहा है ये टीवी बंद हो सकती है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब कर देगी। ओके मैं ट्रांसमिशन चेंज कर सकता हूँ। ओहो वाओ ये
ठीक है सीन है, मुझे करना क्या मुझे पता ही नहीं चल रहा। ओके ये तो शायद वही वाला गेट है ना। ये तो वही वाला गेट है जो मुझे सपने में आया था। वाह जो स्टार्टिंग में हमें दिखा था ये वही चीज है। इसका क्या सीन है, शायद मुझे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो एकदम स्लो मोशन हो गया। ओ भाई दोनों के दोनों जो लंगूर है ना ये यहाँ पे टीवी देखने लगे हुए हैं और कुछ काम धाम नहीं है इनको। चलो बहुत दिख गई कार्टून, अभी निकलते हैं इधर से। हाँ मैं क्या कह रहा था, इसको भूख नहीं लग रही अपने वाले इस कैरेक्टर को, क्योंकि 6 को तो बहुत भूख लगती थी। ऑल राइट ये पता नहीं हम कहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे एक सेकंड, मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ से खिसकेगा नहीं। अबे हेल्प कर दे मेरी। ओ यहाँ से उस पार जाना पॉसिबल है, मतलब इनको ना एक फायदा जरूर है कि इतने छोटे हैं ना कि ये कहीं से भी आ जा सकते हैं। और मुझे लग रहा है मुझे इसके साड़ियों के घटानों को यूज करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये कपड़े भी कह सकते हैं, कपड़ा भी जरूरी नहीं है साड़ियों। ये मेरे हिसाब से हम किसी स्कूल में आए क्योंकि यहाँ पर खेलने के लिए सी सॉ भी है और बॉल भी है, बट यहाँ से पता नहीं कौन भागा होगा। ओ बच गया। यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह डली हुई है। जंप, ये क्या है, लाइट बंद। इस फोटो में से रोशनी आ रही है, इसका क्या सीन है। हेलो हेलो, हाँ मेरे हिसाब से हम इस फोटो को हटा सकते हैं ना। क्योंकि इस फोटो के पीछे मैं देख पा रहा हूँ एक छेद है। छेद तो है लेकिन इसको छेद को मुझे मतलब इस फोटो फ्रेम को हटाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। यार अंदर की तरफ एक और कमरा भी तो है। ओ भाई इस बॉल को लेके शायद से हम वहाँ जा सकते हैं और इस बॉल को शायद से मैं उसमें मार सकता हूँ फोटो फ्रेम में। वही वो भी लेके आ गया। वाह आ जाओ, हो सकता है यहाँ पे इस बॉल को मैं उसमें मारूँ तो जो वो जो है वो यहाँ से निकल जाए। यहीं खड़े होकर मारूँगा मैं इसमें। वाह बढ़िया। अबे पकड़ना नहीं उसको, हटा। चलो हो एक सेकंड, ये क्या है। वाह चलो नीचे आ गए। खैर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो अपन को बंदा मिला है ना उस घर में, ये अपनी अपना दोस्त है या अपनी हेल्प करना चाहता है या इसमें क्या कर रहा है ये। क्योंकि स्टोरी इसकी जो पीछे वाली की जो स्टोरी ना ये मुझे समझ नहीं आ रही है। अपनी तो चलो समझ आ रही है कि अपन को यहाँ से निकलना है, इस आइलैंड से तो अपन निकल चुके हैं। अभी अपन को इस होटल से मतलब कह सकते हैं क्या कहें इसको, इसको अपन कह सकते हैं क्या स्कूल से निकलना है। हाँ बट अगर ये नहीं होता ना तो शायद से हम यहाँ से निकल भी नहीं पाते, क्योंकि ये काफ़ी हेल्प कर रहा है। जो चीज़ हम अकेले नहीं कर सकते उसमें ये हमारी हेल्प कर रहा है। ऑल राइट मुझे आवर ओ मरवा दिया। यहाँ पे एक और मॉन्स्टर है क्या, वो इस वाले गेट से ना जा, पकड़ ले भाई। स्कूल के अंदर भी एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है। खैर उसके पीछे तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा सीधा जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है उसको भी। ओ, ओ, ओ रे यार ये कितने सारे जाल वगैरह बिछा के रखे हैं यार इन लोगों ने, मतलब कि समझ रहा हूँ मैं
अगर यहाँ पे ये जो उठा हुआ है ना, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये फर्नीचर उठा हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर पैर रखूंगा, हाँ बच गए बाल बाल। यहाँ पर भी एक बच्चा है, मतलब जहां पे भी हम जा रहे हैं हमें अपने एक ना एक कोई फ्रेंड जो है मिली जा रहा है। अब ये किधर भागा, इसके पीछे मुझे भागना पड़ेगा। बचके 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 भाई, ये तो एक से भले दो हो रहा है। मैं जंप करके भी तो जा सकता हूँ यार, भूल ही गया मैं तो। ओ भाई ये रहा, बट ये वहां जा रहा है, बट मुझे जाना इधर पे है। खुल जा, खुले नहीं रहा भाई, मुझे उसके पीछे जाना है क्या? चलते हैं उसके पीछे, चलते हैं, क्या दिक्कत है? किधर गया, इस साइड में गया क्या? नहीं, कहाँ गया ये? ओ फिर से बच गया मैं, नहीं तो ये तो मेरे सर के ऊपर ही पड़ने वाली थी। ओ शिट मैन, ये बार बार ना मेरे साथ ही हो रहा है, मुझे उसके वो पैर रखना ही नहीं है। भाड़ में जाओ, ओ मतलब क्या बताऊं मैं, यहाँ पे एक से भले दो है, एक से भले दो। इसके ऊपर इस बार दिख रहे हो, इसके ऊपर पैर रखने से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पैर रखूँगा तो ज़रूर मारा जाऊँगा। चलो बच गए, ठीक है, बच्चा हुआ ना आगे की साइड ही है, ठीक है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। ओ फिर से आ गया, लेकिन मैं इस बार बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाल बाल बचे, इसको तो पकड़ूंगा, ये भाग किधर रहा है ये बच्चा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है? ओ ये तो भाई गजब है, इतने सारे आ गए, वाओ। अब क्या करूं मैं, मतलब मेरे दोस्त को लेके भाग गए, यहाँ पे काफी सारे बच्चे हैं, इनकी तो ऐसी कम तैसी, इन्होंने क्या जाल बिछाया मैं बताता हूँ इनको। रुक जाओ, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे, लेकिन मैं इन्होंने सीढ़ी निकाल ली है, मतलब कि मुझे इनको पकड़ना पड़ेगा और उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं बचाऊंगा तो मैं यहाँ से शायद बाहर ना निकल पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने के लिए यहाँ पे कम से कम दो लोग चाहिए। ओ हेलो, ओ ये तो स्कैम हो रहा है, मुझे लग रहा था ये कोई टेडी बियर है। इसकी तो मैं इसको हथौड़े से पाक मारता हूँ, तो आ जा आ जा आ जा, इधर देख, पीछे देख, पीछे देख, हेलो हेलो हेलो, पीछे तो देखो, हेलो तेरी तो ये टॉय है यार, खिलौने वाला। ओबे नहीं नहीं नहीं, तेरी तो बाल बाल बच गया मैं। ये मुझे कोइंसिडेंस लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस हुआ है। यहाँ पे भी ताला लगेगा, चाबी चाहिए जिससे कि वो ताला खुल जाए। ओ यहाँ पे टीचर है, टीचर कुछ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है। टीचर के अलग के मजे हैं। मैं यहाँ पे कॉपी किताब लेके जा सकता हूँ क्या अपने? ओ भाई मुझे यहाँ पे एकदम शांति से जाना पड़ेगा, एकदम छुपके छोड़ छुपाते, क्योंकि अगर इस मैडम ने मुझे देख लिया तो गड़बड़ है। अबे मैडम ने कैसे देख लिया मुझे यार, स्कैम हो गया ये, मैं कहते जाऊंगा बांगे। निकलने का रास्ता आगे की साइड ही होगा, ऊपर की साइड तो नहीं कुछ भी, ठीक है।
चलो भाई भाई ऊपर 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 मरवा दिया। ये क्या थीन था यार, अब मैं कहाँ जाऊं? एक सेकेंड, ये चीज सही है। कैसे कैसे मॉन्स्टर्स है, ओ भाई मैं कैसे बचूं? लेकिन अब हाँ, वहां पे ना मुझे एक वेंटिलेशन दिखाई दे रहा है नीचे की साइड, समझ गया मैं क्या, ओ मैं इसके अंदर छुप, ओके मैं इसके अंदर भी तो छुप सकता हूँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। उठाओ चाबी, बस अभी शायद से मुझे ना देख पाए। कर ले तू अपनी मुंडी, कर ले कितनी बड़ी करनी है, कर ले। ओ भाई मतलब ये तो हर जगह देख सकती है, गजब है। चलो मेरे लिए एक रास्ता खुल गया है, अब मैं शांति से यहां से निकल सकता हूँ क्योंकि चाबी तो मुझे मिल चुकी है। ये चाबी ना उस लिफ्ट में लग सकती है जिससे कि मैं उस लिफ्ट की थ्रू ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। ओ भाई 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 भाई, 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 भाई नहीं, नहीं नहीं नहीं, ओ भाई ये तो टीचर बड़ी खतरनाक है यार। ये सबको डरा के रखती है भाई अपने क्लासरूम में। भागो 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 भागो, ओ भाई भागो भागो भागो, ओ भाई 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 पाल पाल बचा लो, पाल पाल बचा लो, नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, बच गया, ओ भाई बच गया मैं, बार बार बचा हूँ यार उससे ना। अब मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है यार, वो किधर है? ओ हेलो, जिसकी तो तू आ जा। ओ एक सेकेंड, इसको बांधा हुआ है भाई बंदर, जैसे क्या इन पे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर दिया लगता है मुझे कि भाई ये तो बड़े खतरनाक हो रहे हैं। बच गया मैं फिर से बच गया ओ भाई, बट यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? ओके मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है तो उसके वहाँ पे एक हथौड़ा पड़ा हुआ है, समझ गया मैं। आजा 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 आजा, ठीक है फटाफट से मैं इसका भी हथौड़ा ले सकता हूँ। पकड़ लिया इसने, मैंने गलत जगह शॉट मारा। हेलो आजा 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 आजा, ओ भाई पकड़ लिया मैंने इसको, वाओ तेरी मुंडी खोलूँ मैं, आजा आजा। हाँ ये हुई ना बात भाई, वो किसने बांध के किसने रखा है भाई इसको, बड़ा ही खतरनाक लोग हैं जिसने, मेरे हिसाब से उस टीचर ने बांध के रखा होगा इसको पनिशमेंट के लिए। टूट जा टूट जा, चलो टूट गया। ओके या तो चलते अपन ऊपर फटाफट से, ऑल राइट मेरे हिसाब से वो ना उसे ऊपर की तरफ लेके तो आए थे, लेकिन अभी मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कि अभी कितना ऊपर हो रहा है, मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। इसलिए मुझे यहाँ पे कोई और तकनीक जो है सोचनी पड़ेगी। ऑल राइट तो मेरे पास ना यहाँ पे एक और आइडिया कि मैं या तो मैं डायरेक्टली बोतल के ऊपर जंप कर दूँ जिससे कि जो बोतल है वो नीचे की तरफ ना गिरे, और दूसरा आइडिया ये है कि वहाँ पर भी सामने तरफ एक बॉक्स जिसके अंदर कि मैं छुप सकता हूँ, मुझे डायरेक्टली वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है तो एक बार फिर से ट्राई करता है,
ठीक है, तो मैं बोतल के ऊपर से कूदना तो मुश्किल है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके अंदर छुप सकता हूँ। अब शायद से वो मुझे नहीं दिख पाएगी। ओ भाई कैसे हो जाती है इतनी गर्दन लंबी। इसे मैं यहाँ पे दिखूंगा नहीं तो ये शायद से डायरेक्टली नीचे की तरफ चली जाएगी। चलो बाल बाल बच गया मैं। अब वो फिर से अपना कुटाई जो है करना स्टार्ट कर देगी, ये कुटाई। तो मेरे हिसाब से मुझे ना इसके आगे की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे द लिटिल नाइटमेयर्स के सेकंड वाले एपिसोड में, यानी कि लिटिल नाइटमेयर्स 2 के सेकंड वाले एपिसोड में। तो अगर आपको ये एपिसोड है ये पसंद आया हो तो जल्दी से अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर दीजिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि जो मैडम है ना, यानी कि ये जो टीचर है, इसकी चंगुल से आप कैसे बाहर निकलने वाले हैं इस वाले स्कूल से। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, और मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमेशा की तरह खुश रहिएगा।